Hello, welcome to my channel Piyush Rana, to learn accounts in easiest and simplest way. So that आप लोग सिर्फ एग्जाम क्लियर ना करो, लाइफ के लिए उसको याद रख सको. Today we will start with SYPCOM, ratio analysis जो टॉपिक चालू है. I know कि पहले तीन सम जो मैंने डाले थे सबको बहुत जोश चढ़ा होगा, अरे यार इजी है. तो शीट में से क्वेश्चन को फोर अपने बैलेंस शीट भी कर दी होगी. अच्छा, जिनके पास शीट है, those who are newly subscribed and don't have the sheets, please WhatsApp me on 9960139727. I will send you the PDF of the questions of all the topics which I have. Okay? Question number 4. मैंने ऑलरेडी बैलेंस शीट बना ली है, आप लोग भी बना के बैठे होंगे. I know that. Equity share capital, own में. General reserve, own में. Security premium, own में. 10% debentures, borrowed में. बराबर. Then profit and loss own में मैंने नीचे लिख दिया क्योंकि बाद में आया था इसके लिए. creditors current liability, bank overdraft current liability, provision for tax current liability, proposed dividend current liability, fixed assets application, investment application, stock current assets, debtors current assets, prepaid current assets, advance income tax current assets and cash current assets. Right? Share issue expenses less from reserves, treasury expenses less from reserves. राइट, तो मेरा टोटल सोर्सेज आ गया ओन फंड का 15,25, बोर्ड फंड का 7,50,000 यानी कि 22,50,000. सिमिलरली इन्वेस्टमेंट ऑफ 13, अपना इन्वेस्टमेंट ऑफ 4, फिक्स्ड एसेट्स ऑफ 13 एंड नाउ वर्किंग कैपिटल इज 5,75,000. राइट, तो 13 प्लस 4 17, 17 प्लस 5 22, 22,75,000 काम खत्म. फाइंड ऑल पॉसिबल रेशियोज फ्रॉम द अबव बैलेंस शीट. राइट, तो सबसे पहला रेशियो कौन सा है अपना, करंट रेशियो. राइट, ओके, तो करंट रेशियो इज व्हाट, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. राइट, तो जस्ट राइट द फॉर्मूला एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. पहला रेशियो करंट रेशियो, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप लोग ना लिखना. So my current assets are 15,30,000 upon current liabilities are 9,55,000. So that is equal to 15,30,000 divided by 9,55,000, 1.60. Yes. Second, quick ratio. अब तक रेशियो सबको बाय हार्ट हो गए होंगे. क्विक असेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज. राइट, अब क्विक असेट्स कैसे ढूंढने हैं आप लोग को, करंट असेट्स माइनस स्टॉक और माइनस प्रीपेड. राइट, तो करंट असेट्स 15,30,000 माइनस स्टॉक 85,000 एंड माइनस प्रीपेड 40,000. सो दैट कम्स टू 14,05,000. अच्छा, इफ यू वांट तो आप स्टॉक और प्रीपेड को अलग अलग लिख सकते हो. स्टॉक और प्रीपेड को अलग और डेटर्स एडवांस टैक्स और कैश ऑन हैंड उसको अलग. ओके, क्विक असेट्स एंड नॉन क्विक असेट्स, नॉट एन इश्यू असेट्स. एंड क्विक लायबिलिटीज इज इक्वल टू व्हाट, करंट असेट्स माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, नथिंग मच, माइनस 3,95,000. सो 5,60,000, सो 14,05,000 divided by 5,60,000 is equal to 2.508, यानी कि 2.51. राइट, थर्ड स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो, सो स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो इज इक्वल टू व्हाट, क्लोजिंग स्टॉक अपॉन वर्किंग कैपिटल इनटू 100. Right? Do I have my closing stock? Yes. How much? 85,000. Do I have my working capital? Yes. 5,75,000 into 100. तो देखो कितना परसेंट आता है वो. 85,000 divided by 5,75,000 and percent 14.78%. Yes. Ratio number 4. It's proprietary ratio. Proprietary ratio is equal to proprietor fund upon total assets. Right? So proprietor funds means own fund, that is 15,25,000. Right? Into 100 percentage in mil jayega, into 100 nahi ya to ratio mein milega, points mein.
अब टोटल एक्सेस मीन्स व्हाट 13 लाख प्लस 4 लाख एंड प्लस माय करंट एसेट्स 15 लाख 30,000 ओके तो 32 लाख 30,000 and into 100 that is equal to so 15,25,000 divided by 32,30,000 47.21 और अगर रेशियो में जोड़ना तो 0.47 उतना ही आएगा और ओके डेट इक्विटी रेशियो दैट इज नथिंग बट ओन फंड अपॉन बोरोड फंड करेक्ट तो ओन फंड कितना आना 15,25,000 एंड बोरोड फंड 7,50,000 सो 15,25,000 डिवाइड बाय 7,50,000 2.03 यस एंड सिक्स्थ एंड लास्ट कैपिटल गेन रेशियो वो भी उतना ही आएगा क्योंकि अपने पास प्रेफरेंस कैपिटल है So only 5 ratios are sufficient. Okay? I hope the sum was clear. ठीक है? बस इसी तरह से हमें कौन सा करना है? P&L, vertical revenue और revenue ratios जो हैं. Okay? See you soon with the revenue ratios. एक नजर मार लो. आप लोगों को समझ में आने के लिए काफी अच्छा पड़ेगा. Capital gain ratio ढूंढने की जरूरत है ही नहीं, because we don't have preference capital. Done? प्रैक्टिस वेल बाय हैंड द इश्यूज वेल एंड और एक काम करना है एक चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को शेयर लाइक और कमेंट करना है आप लोग एक काम करो चैनल का लिंक अपने अपने एफबी पे व्हाट्सएप पे डाल दो सो दैट मेजॉरिटी लोगों को पता चले है नहीं किसी भी स्टूडेंट का नुकसान नहीं होना चाहिए कहीं का भी हो पूरे इंडिया का या पूरे वर्ल्ड का वर्ल्ड का भी समझ सकता है गूगल में ट्रांसलेट करके चलो ठीक है